स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल मिस्ट्री। यहां पर मैं एक ऐसे आईटी स्टॉक की बात करने वाला हूं दोस्तों, जिसके ऊपर मैं कहूंगा कि बहुत सारे लोग या तो ध्यान नहीं दे रहे या ये जिस प्रकार की क्वालिटी स्टॉक है ये दोस्तों इस पे कोई चर्चा नहीं कर रहा, और निवेशक जो फ्यूचरिस्टिक स्टॉक्स की बात करते हैं वो भी स्टॉक पे ध्यान नहीं दे रहे। तो क्यों मुझे ये स्टॉक थोड़ा अच्छा लगता है, एनालिस्ट क्यों स्टॉक में बुलिश है, और आने वाले समय में किस प्रकार के इसके टारगेट दिए जा रहे हैं, ऐसे तमाम सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव बहुत एजुकेटिव ये होगी दोस्तों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो अब विदाउट वेटिंग सीधा लेके चलता हूं मैं आपको शेयर प्राइस की तरफ। देखिए हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, या दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड, आप देखें फ्लैट ही इसका नंबर रहा है पहली चीज। दूसरी चीज दोस्तों, जिस वैल्यूएशन में ये मिल रही है ना आपको हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी, मैं जरा आपको दिखाता हूं, ये 874 में यहां से 10-12% का अगर आप डाउन साइड रिस्क, जी हाँ दोस्तों अगर 10-12% का डाउन साइड रिस्क अगर आप लेते हैं तो यकीन मानिए आपके पास हैप्पीएस्ट माइंड जैसी टेक्नोलॉजी जैसी शानदार कंपनी आपको बहुत बहुत अच्छे लेवल मिल रही है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं जरा मैं आपको एक चीज दिखाता हूं ना। देखें आप इधर, ये पिछले 6 महीने का है स्टॉक, यहां पे एक आप कह सकते हैं सपोर्ट लिया, टाइम स्पेंड किया, यहां तेजी दिखाया, यहां पे रेजिस्टेंस फेस किया, वापस से गिरावट दिखा रहा है। ये कौन सा लेवल है तो मैं आपको दिखा दूं, आप देखें यहां पे ये है, देखिए 850 का लेवल, ठीक है, और उसके बाद अगर बहुत ज्यादा नीचे गया 825, और इसका 52 वीक लो 785 है, ठीक है 52 वीक लो 785 है, और यानी यहां से आप कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 10% के आसपास का, 10% आपका डाउन साइड रिस्क है, आप 52 वीक लो के आसपास आ जाते हो, ठीक है। ऑलरेडी जितना प्रेशर होना था हो चुका है, ठीक है, और जो एक नियर टर्म सपोर्ट है हैप्पीएस्ट माइंड का, पहला है 850 से लेकर के 830, ये जो लेवल है यहां पे एक शानदार, मैं कहूंगा शानदार बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और अगर 800-790 कभी आ जाता है तो 790 से 810 के बीच एक ह्यूमंगस अपॉर्चुनिटी दोस्तों, क्योंकि इस दोनों से ज्यादा नीचे टूटना अभी स्टॉक के लिए मुझे नेक्स्ट इंपॉसिबल लगता है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब कंपनी ने क्वार्टरली थर्ड के नंबर अपने पेश किए, ठीक है, जब कंपनी ने क्वार्टर थर्ड के नंबर अपने पेश किए तब बहुत कह लीजिए इश्यूज ये हुए, कईयों को नंबर पसंद नहीं है, लेकिन मैं बता दूं आपको कंपनी नंबर्स उतने ज्यादा बुरे पेश मेरी नजरों में नहीं किए थे। पहली बात, मार्जिन 26% का अपना ये मेंटेन अभी भी रखेंगे बोल रहे हैं, ठीक है, और आने वाले समय में दोस्तों जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज है, देखिए अगर मैं बात करूं इस कंपनी की तो हर एक नई टेक्नोलॉजी आईटी सेक्टर में कौन कौन सी है, नई टेक्नोलॉजी हम सुनते सबसे पहले हमारा नाम क्या आता है दिमाग में आता है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी काम करती है। दूसरा क्या आता है ब्लॉकचेन, कंपनी ब्लॉकचेन में काम करती है। तीसरा हमको क्या आता है कि भाई साहब आजकल बड़ा एक बहुत शानदार चीज चल रही है जिसे कहते हैं लोग ड्रोन, तो ड्रोन टेक में भी ये कंपनी है, रोबोटिक्स में भी ये कंपनी है, ठीक है। तो आप देखें बहुत बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक कंपनी है ये दोस्तों, और अब जब बाजार में दबाव है तो आपको ये स्टॉक बहुत ज्यादा अच्छे वैल्यूएशन मिल रहा है, बल्कि मैं ये कहूंगा अगर गिरावट में आपको स्टॉक 750 के आसपास मिल जाता है, जो कि मुझे नहीं लगता, लेकिन अगर आता है 750 के आसपास, एक ह्यूमंगस स्टॉक है, शानदार स्टॉक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से मैं इससे अच्छा स्टॉक मुझे नहीं समझ में आता दोस्तों, ठीक है। और अब मैं बात करता हूं दोस्तों कि भाई देखिए ऊपर जाने के लिए तो आप देखेंगे इस स्टॉक में तो आपको रेजिस्टेंस साफ साफ यहां देखने को मिलेगा, ये देखिए आपको एक रेजिस्टेंस ये, देन दिस, ये आप देखें ये रेजिस्टेंस मिलेगा। और मैं आपको जरा बता देता हूं कि इसमें जो एनालिस्ट है वो क्यों बुलिश है, और ये कौन कौन से लेवल है, देखिए तो 882, ये देखिए यहां से 900 से ऊपर, ये जो 900 का लेवल है ना दोस्तों, 900 बल्कि मैं कह दूं आपको 900 से लेकर के ये जो 930 है,
ये 30 रुपए को अभी तोड़ करके सस्टेन करना इन कंपनीज के लिए बहुत टफ है, रेजिस्टेंस वाइज कह रहा हूं। अगर जिस दिन उसके ऊपर जाएंगी एक नेक्स्ट सेट ऑफ रैली होगी। और यही कारण है कि इसमें जब मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करता हूं, आप जरा यहां देखें, ये शेयर खाने दोस्तों, उन्होंने बाई रिकमेंडेशन दी है हैप्पीएस्ट माइंड में। टारगेट प्राइस कितना दिया है, 1000 से लेकर के 1100, 1500 के लिए 1090 यानी 1100 के आसपास, और 815 का स्टॉप लॉस की बात कही है। तो आप समझ सकते हैं कि इसीलिए मैंने कहा था 5 से 7% का आप कह सकते हैं कि निचले स्तरों की बात कर रही है, और यहां से आपको 10-20% के आसपास के रिटर्न की बात कही जा रही है। और यदि आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, एसआईपी मोड में इन स्टॉक्स को खरीदना मुझे ये लगता है एक काफी अच्छा मौका हो सकता है दोस्तों। तो यदि आपको एक अच्छी कंपनी, आईटी कंपनी, फ्यूचरिस्टिक आईटी कंपनी जो थोड़े अगर दबाव में, गिरावट में, बाजार में अगर और सस्ती मिलती है, आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, तो मुझे लगता है ये खरीदारी का मौका हो सकती है। देखिए ये कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो आप कोई भी खरीदारी करें, वित्तीय सलाह लें, या अपना ड्यू डिलीजेंस जरूर कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।